एनटीसीए के द्वारा एक जो प्रिलिमिनरी सैंक्शन होता है वो रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और आसपास के जो एरिया हैं उनको मिलाकर रामगढ़ टाइगर रिजर्व बनाने का मिल चुका है। अभी जो है हम एक फाइनल नोटिफिकेशन की तैयारी करवा रहे हैं जिसमें कि सोशो इकोनॉमिक सर्वे किया जा रहा है, साथ ही साथ जो एरिया टाइगर रिजर्व में शामिल होंगे उनके नक्शे शेप फाइल्स वगैरह तैयार करके हम एनटीसीए को भिजवा रहे हैं ताकि इसका फाइनल जो नोटिफिकेशन है वहाँ से जारी हो सके। जो रामगढ़ टाइगर रिजर्व है उसमें जो एरिया इंक्लूड किया गया है वो जो एग्जिस्टिंग रामगढ़ सेंचुरी है वो, साथ ही साथ जो बूंदी टेरिटोरियल के जो फॉरेस्ट एरिया हैं उनको इंक्लूड किया गया है और भीलवाड़ा का कुछ एरिया इंक्लूड किया गया है। और इसमें यह ध्यान रखा गया है कि जो भी आज के डेट में जहाँ पर भी माइनिंग हो रही है, जहाँ पर माइनिंग लीजिए सैंक्शन है, उन एरियाज से दूरी बना के रखी गई है, उन एरियाज को छोड़ के रखा गया है ताकि भविष्य में इस तरह के कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो और जो माइनिंग एरिया है वो सेपरेट हो, टाइगर रिजर्व एरिया सेपरेट हो। आज के डेट में देखा जाए तो 8 गांव जो हैं वो रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में स्थित हैं और ये पूरे टाइगर रिजर्व के कोर के रूप में रामगढ़ सेंचुरी इंक्लूड किया गया है। तो भविष्य में जब भी जो भी विलेज रिलोकेशन करवाएंगे या ग्राम विस्थापन का जो कार्रवाई होगी तो कोर एरिया में जो जो आएंगे उनको प्राथमिकता से किया जाएगा। तो 8 गांव ये जो कि अंदर में है उनके उनको प्रथम प्रायोरिटी दे के हम चाहेंगे कि उनको करने के लिए, फिर भविष्य में आगे दूसरे जो गांव हैं पेरीफेरी पे जो लोकेटेड है 35 गांव के करीब, फिर उन पर जो है फोकस रहेगा हमारा। रामगढ़ टाइगर रिजर्व देखा जाए या आज के डेट में रामगढ़ सेंचुरी को आप लीजिएगा तो एक कड़ी है, कॉरिडोर है, मतलब एक रणथंभौर एक साइड में है, दूसरे साइड में मुकुंदरा है। तो जो टाइगर का मूवमेंट होगा उस कॉरिडोर के थ्रू होता है और जब ये टाइगर रिजर्व बन जाएगा रामगढ़ टाइगर रिजर्व, उस समय क्या है कि जो भी वाइल्ड एनिमल्स हैं पर्टिकुलरली टाइगर्स उनको आने का एक फ्री फ्लो जो चैनल होता है, एक जो कॉरिडोर है वो मिल जाएगा जिसके थ्रू टाइगर रणथंभौर से सीधे मुकुंदरा भी जा सकता है और मुकुंदरा से ये रणथंभौर वापस जा सकता है। तो ये जो है एक मूवमेंट का अच्छा इनको एरिया मिलेगा। तीनों जो टाइगर रिजर्व से वो आपस में जुड़े होंगे जिसके कारण से वाइल्ड एनिमल्स जो वाइल्ड लाइफ है उनका मूवमेंट इजी होगा। वो देखा जाए तो इनब्रीडिंग जो कंसेप्ट है कि टाइगर एक एरिया में छोटे से एरिया में रह जाते हैं और नंबर ऑफ एनिमल्स कम होने के कारण इनब्रीडिंग होता है, तो उन चीज़ों से भी इसको बचाया सकेगा। में आप देखेंगे तो बहुत सारे एरियाज जैसे कि भीमलत, तो भीमलत का एरिया बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है, नेचुरल इन्वायरमेंट आप देखेंगे वहाँ बहुत अच्छा है, तो वो सारे एरियाज़ को भी टाइगर रिजर्व का पार्ट बनाया गया है और ये देखा जाएगा तो भविष्य में टाइगर के लिए अच्छा हैबिटेट साबित होगा। वर्तमान में भी बहुत सारे पैंथर्स यहाँ पे घूमते हैं और कभी कभी उनको रेस्क्यू करने का भी कार्य जो है हमारे वन कर्मियों के द्वारा किया जाता है, तो उनके लिए भी एक सुरक्षित स्थल जो है ये साबित होगा।